26 जुलाई 2019। मीठा मीठा बाबा कहते बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है, दिव्य गुण आते हैं, इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए। एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि देवता बनना है तो दैवी गुण कितने आए हैं। प्रश्न है, सबसे बड़ा आश्री अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए। आश्री अवगुण, सबसे बड़ा आश्री अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना, इसे ही भूत कहा जाता है। जब कोई ये भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो, अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखना। दुनिया में जो कुछ भी इन आंखों से देख रहे हैं वो समझो कि हमें देखना नहीं है या हमें दिखाई दे ही नहीं रहा है। धारणा के लिए मुख्य सार है, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे। चलते फिरते कोई भी काम करते सिर्फ एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। ऐसा अभ्यास करना है, एकांत में अपनी जांच करनी है कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए, दैवी गुण कहाँ तक आए हैं। ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो, जिससे बाप की निंदा हो, ऐसा कोई कार्य नहीं करना है। बुद्धि में रहे कि आप घर जाना है। दैवी गुण धारण करनी है, फिर अपनी राजधानी में आना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदा, स्वार्थ से न्यारे और संबंधों में प्यारे बन, सेवा करने वाले सच्चे सेवाधारी हो, सच्चे सेवाधारी हो। जो स्वयं सेवा को, जो सेवा स्वयं को व दूसरों को डिस्टर्ब करे वो सेवा है, और दूसरे तो खुश हो रहे हैं परंतु मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तो भी वो सेवा नहीं है। जब मैं खुश हो रहा हूं कोई दूसरा डिस्टर्ब हो रहा है तो भी सेवा नहीं है। स्वार्थ क्या है, वो स्वार्थ निमित्त कोई ना कोई स्वार्थ होता है, तब नीचे ऊपर होते। कहीं मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई तो मेरी इच्छा है सेवा करने की, और मेरी इच्छा से मैं दुखी हो रहा हूं उसमें भी स्वार्थ है कि इनको मैं सुख दूं।
ताकि मेरे को सुख मिल जाए। अब मैं दुखी उनको क्या सुख दूंगा? तब नीचे ऊपर होते हैं, चाहे अपना चाहे दूसरों का स्वार्थ जब पूरा नहीं होता तब सेवा में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्वार्थ से न्यारे और सर्व के संबंध में प्यारे, सर्व के संबंध में प्यारे बनकर सेवा करो, तब कहेंगे सच्ची सेवा धारी, तब कहेंगे सच्ची सेवा धारी। सेवा खूब उमंग उत्साह से करो, लेकिन सेवा का बोझ स्थिति को कभी नीचे ऊपर ना करे। सेवा का बोझ स्थिति को ऊपर नीचे ना करे, ये अटेंशन रखो, ये ना मेरी अवस्था खराब हो ना किसी दूसरे की अवस्था खराब हो, तब समझो कि हम सेवा कर रहे हैं। अटेंशन रखो, स्लोगन है, शुभ व श्रेष्ठ वाइब्रेशंस द्वारा नेगेटिव सीन को भी पॉजिटिव में बदल दो। नेगेटिव को भी क्या कर, कितना भी खराब सीन हो, दुखदायी सीन हो, उसमें भी हमारा कल्याण समाया हुआ है, उसमें भी हमारा कल्याण समाया हुआ है, उसमें भी कल्याण है। क्या कल्याण हुआ? अकाउंट बराबर, अकाउंट बराबर ओम।